अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशों को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पाकिस्तान को मजबूरी में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC से बाहर बैठना पड़ा। भारत को इस संगठन की मीटिंग में सम्मानित अतिथि की हैसियत से आमंत्रित किया जाना हमारे लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC ही एक ऐसा मंच था जहां वो भारत के खिलाफ आवाज उठा पाता था, लेकिन अब की बार उसे मुंह की खानी पड़ी। पिछले कई सालों से इस संगठन में किसी न किसी रूप में शामिल होने की कोशिश में जुटे भारत को खाड़ी देशों के साथ खास संबंध स्थापित करने की कोशिशों का फायदा मिला। अबुधाबी में हुई इस बैठक में OIC के विदेश मंत्रियों के विशेष सत्र को सुषमा स्वराज ने संबोधित किया। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए यहां कहा कि जो देश आतंकवादियों का वित्त पोषण करता है और उसे पनाह देता है, उसे निश्चित ही उसकी धरती से आतंकी शिविरों को समाप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आतंक को पनाह देने वाले देशों से उनकी धरती पर आतंकी शिविरों को समाप्त करना होगा। ये सभ्यता और संस्कृति का टकराव नहीं है बल्कि विचारों और आदर्शों के बीच प्रतिस्पर्धा है। आपको बता दें कि भारत लगातार ये दावा करता रहा है कि दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश होने के नाते उसे इस संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कड़े विरोध की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। अब की बार भारत की कूटनीति काम कर गई। पहली बार साल 1969 में भारत को आमंत्रित किया गया था और इंदिरा सरकार में मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद अपने डेलीगेशन के साथ हिस्सा लेने मोरक्को की राजधानी रबात पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के कड़े विरोध के बाद निमंत्रण रद्द कर दिया गया। लेकिन अब की बार भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उसी इस्लामी सहयोग संगठन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तहत बुलाया गया। भारत को मिले निमंत्रण के विरोध में पाकिस्तान ने बहिष्कार की धमकी दी और अंत में उसे बाहर जाना पड़ा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी व्यापक गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने जमकर विदेश मंत्री का विरोध किया कि भारत के सामने पाकिस्तान ने अपनी बात क्यों नहीं रखी। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।